हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ 12th का मैथ पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें से हम 8 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, पूरे कॉन्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद 8 तक क्वेश्चन आ चुका है, आज हम शुरू करेंगे 9। अब 9 में क्या है कि 9 का एक है, 9 का दो, इस तरह से 3 गुले है, ठीक है। तो पूरा हम करेंगे आज, देखते हैं कितना हो पाता है। तो 9 में बोल का रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जो है ना, समुच्चय दे रखा है आपको, क्या रखा है, एक जन संबंधित है जेड से। जेड क्या है, एक पूर्णांक है, जिसमें बोल रहा है कि 0 कहां तक है, 12 तक, ठीक है। 12 तक मतलब जो x का वैल्यू होगा 0 होगा, 0 भी इसमें शामिल होगा, 0 से लेकर 12 के बीच में का होगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 7 इस तरह 12 तक आएगा, उतना ही वैल्यू लेना है z का, ठीक है। और z बोल दिया कैसा है, z एक पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या में क्या नेगेटिव पॉजिटिव सब आता है, लेकिन ये पूरा क्लियर कर दिया कि 0 से लेकर 12 के बीच में होना चाहिए x का वैल्यू, ठीक है। और इसमें बोल का रहा है निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, माने सभी एक तुल्यता ही है तीनों क्वेश्चन में। अब उसी को हमको सिद्ध कर देना है कि कैसे। तो देखिए आपका ये आपका दे दिया ए, हमें अब R की जरूरत है। R में क्या है, बोल क्या रहा है ए बी जो है ना, बी माइनस ए माइनस बी, इन्हीं दो के न बीच में संबंध दिया रहता है। इतना का जो वैल्यू है 4 का गुणज है, 4 का एक गुणज है, माने इस संबंध बता रहा है कि जो ए और बी का वैल्यू आएगा ना, इन दोनों में से 0 से 12 के बीच में जो भी वैल्यू आप लीजिएगा, उनका मॉड निकालिएगा, तो वह 4 का गुणज होगा, यह बात कह रहा है, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य में देखिए ए संबंधित है आर से, ठीक है। और ए का जो वैल्यू है, जो ए आ रहा है, यह मान जो है कि यह है समुच्चय ए के अवयव है। तो आप यह भी लिख सकते हैं ए अवयव ना, ए और बी समुच्चय ए के अवयव है, उसके बाद यह लिख सकते हैं या डायरेक्ट यह लिख सकते हैं। अब इसके बारे में क्या लिखिएगा, लिखिएगा ए माइनस ए 4 का गुणज है, ठीक है। कैसे है, क्योंकि घटाइएगा कोई भी सेम वैल्यू से घटाइएगा तो 0 आएगा, और 0 एक क्या है, 0 एक मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 4 का गुणज है, मतलब आर क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। अब चेक करते हैं सममित के लिए, सममित के लिए चलिए दुगो वर्ड ले लिए, माना ए बी संबंधित है आर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि a माइनस बी के जो मोड का वैल्यू आएगा वह 4 का गुणज है, यह गुणज है, यह जो है गुणज है, तो b माइनस ए का भी वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी 4 का नहीं, तो b माइनस ए के मान भी, k के मान भी लिखिए या इतना ही लिखिए, यह 4 का गुणज होगा। अब कैसे होगा, मान लीजिए कि दो को वैल्यू हम ले लिए 1 और 3, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया, माइनस 2 मोड में तो 2 आया, तो 2 4 का गुणज है कि नहीं। अब फिर इसी को आप बदल दीजिएगा, इस तरह से है तो इसको आप बदलिए 3 माइनस 1, यही ना होगा,
वही ना किया है a माइनस बी, फिर इसको पलट के लिखे हैं b माइनस ए, तो कितना आएगा दो मोड, मतलब दो आया, बाकी वही पड़ा, तो दो चार का गुणज है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए किए थे हम, मिटा रहे हैं। यह होगा मतलब बी ए संबंधित है आर से, और सममित ही ना कहता है इसे आए तो इसके पलट के वाला भी संबंधित होना चाहिए आर के, मतलब अतः आर सममित है, ठीक है। अब चेक करते हैं हम संक्रामक, संक्रामक में क्या होगा, माना ए बी संबंधित है आर से, ठीक है, और फिर आ गया बी सी संबंधित है आर से, ठीक है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया, तो इसका वैल्यू आपका, तो थोड़ा थोड़ा लिख भी दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा भाषा लिखेंगे आप, इसको भी हम करिए दे रहे हैं संबंधित है आर से, मतलब क्या हुआ इसके बारे में छोड़िए लिख रहे हैं, बी माइनस ए माइनस बी का जो मॉड का वैल्यू आएगा चार का गुणज है, फिर से लिखे माना बी माइनस सी का वैल्यू भी चार का गुणज है, मतलब बी सी संबंधित है आर से, तो ए माइनस सी का भी वैल्यू जॉइन होगा ना चार का गुणज होगा, ठीक है, मतलब ए सी संबंधित है आर से, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको समझाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए कि एक दो है एक चार है, ठीक है, इसका अंतर ले लिए तो यही ना आएगा, मोड में आएगा माइनस दो तो मतलब दो आएगा, दो चार का गुणज है, फिर मान लीजिए कि चार और छ, ठीक है, चार सी के जगह पर छ, इसका अंतर कितना आएगा माइनस दो, तो कितना आया दो, दो भी चार का गुणज है, तो दो और चार का भी दो माइनस छ, इसका भी जो मोड आएगा वो चार का गुणज होगा, कितना होगा माइनस चार आएगा मोड में, मतलब चार, चार चार का गुणज है ही है, तो ये तो जरूरी होगा, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, समझ गए आप लोग। इसके बाद अतः आर संक्रामक है, ठीक है। अभी जब तीनों है तो मतलब ही तुल्यता संबंध रखता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि यहां आर स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। एक मिनट देखते हैं आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा नीचे वाला, चलिए ये तो है, ये वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए लिखे क्या है, थोड़ा सा तो है, अतः आर सममित है, यही लिखे थे इसके नीचे वाला, ठीक है, तो हो गया फाइनल, तो ये 9 का 1 क्लियर हो गया, ठीक है ना, पूरा समझ में आ गया। चलिए अपना वीडियो रोक कर लिख लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, हाँ, और आप वीडियो देखने से पहले कॉपी कलम और किताब लेकर बैठिए, एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठिएगा।
ठीक है। सभी एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो, इसलिए हम एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये तो बात हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 9:2, इसमें और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? तुल्यता हो गया। चलिए इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन हाई लगता है, हाई क्वेश्चन। और देखिए बोल क्या रहा है, ए का वैल्यू आप लिखिएगा फिर से, मतलब इसी में कहा है क्या, 0 से लेकर 1, 2, 3 यहाँ तक 12 तक लिखना ही है, 12 तक। और इसमें क्या कौन कौन सा वैल्यू सभी 4 के गुणज है वो यह आपको देख लेना है। देखिए आप एक एक ले सकते हैं, ठीक है। अब एक एक ले लिया इसका मतलब दो दो भी आपका शामिल हो जाएगा, 3-3 भी हो जाएगा। तब इस एक खीन ले रहे हैं, 1-4 बोले, 1-5 ले लिए, ठीक है, क्योंकि इसका अंतर 4 आएगा। अब 4-4 का तो गुणज होगा ही, और 1-8 ले लीजिए बोले, 1-9, क्योंकि इसका अंतर कितना होगा, 8 जो है ये सभी किस क्या होंगे, सभी 4 के गुणज हैं। इसके अंतर देख लीजिएगा, यही ना बोलेगा a माइनस बी, और यही ये वाला ये है, ये बी है, अभी ये है ये बी है, इसी तरह वैल्यू रख कर देखिए, जो इसका मॉड के हटाने के बाद, जो मॉड से बाहर आ रहा है वो 4 के गुणज है कि नहीं, यही देखना होता है। तो ये जो वैल्यू आपको लिखे हैं ये सब 4 के गुणज है, क्योंकि इसके अंतर 4 के गुणज होगा, क्योंकि इसका अंतर 4 के गुणज होगा, ठीक है, यही ना। इसका अंतर यहाँ पर क्या करिएगा, अगर इसको लेते हैं तो 1-1 करिएगा, क्या है 0, मतलब 0 4 के गुणज है, 1-5 करिएगा तो क्या आएगा, -4 के मोड, मतलब 4 के 4 गुणज हो ही है, इसी तरह इसको करिएगा तो क्या आएगा, -8 मोड हटेगा तो 8 आएगा, 8-4 का गुणज है ही, ठीक है। तो इसीलिए यह 4 का गुणज है, ठीक है। उस समुच्चय के अध्ययन से जो एक से संबंधित है वह 1-5-9 है, ठीक है। उस समुच्चय, अब कौन सा समुच्चय बोल रहा है, उस समुच्चय मतलब इसमें का जो 0 से लेकर 12 तक है, इसमें का 1-5-9 यही ना 3 को आया है, है? तो मैं लिख सकता हूँ उस समुच्चय के, उस समुच्चय मतलब क्या, ए वाल ए समुच्चय, उस समुच्चय के अवयव कौन कौन, 1-1-5-9 उस समुच्चय के अवयव जो एक से संबंधित है, ये लिखिएगा, जो एक से संबंधित है, कौन कौन सा है, 1-5-9, ठीक है, संबंधित है 1-5-9, तो लिख दीजिएगा आपका 9:1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9:2, तो 9:2 में क्या बोल रहा है, आर अंक देता है, ये तो फिक्स है, ये वही लिखिएगा आप कौन कौन सा है, ए एलिमेंट डेल्टा है का, और ये बोल रहा है कि 0 से 8 आर का मान दिया है, अब बोल कह रहा है ये बराबर बी, यही ना बोल रहा है,
और बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में, यह भी बोल रहा है प्रत्येक दशा, यही ना है प्रत्येक दशा, अलावे से समझ लीजिए, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करें, एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो सापे सापे दिख रहा है, इसमें तुल्य होकर करेगा, कैसे होगा कि यह खुद खुद के बराबर होकर करेगा, तो फिक्स है कि होगा ही वो, और ये जितने भी ए अवयव ले रहा है किसे, किसका एलिमेंट है, समुच्चय ए का है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप पहले लिख सकते हैं ए बराबर ए होगा, क्योंकि कोई अंग खुद के बराबर होता है, या भाषा आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ए बराबर ए लिख देंगे उतना ही काफी हो जाएगा, मतलब आप स्वतुल्य है, मतलब कोशिश करता हूँ साफ लिखने का, सममित। अब सममित में हम मान लिए, माना ए भी संबंधित है आर से, मतलब क्या, मतलब कि ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी होगा, अर्थात ये है मतलब बी ए संबंधित है आर से, मैं यहां लिख रहा हूं, अतः आप सममित है। ठीक है, अब यहां चल रहा हूं, इसके लिए संक्रामक के लिए, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, और संक्रामक के लिए देख लीजिए, माना ए बी संबंधित है आर से, ठीक है, मतलब ए बराबर बी है तो माना बी बराबर सी है, मतलब बी सी संबंधित है आर से, ए माने इसके बाद तो ए बराबर सी भी होगा, मतलब ए सी संबंधित है आर से, तब आप कैसे होगा, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ डेमो दे रहा हूं, मान लिया कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ए बराबर सी नहीं होगा, आराम से होगा, तो वही यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, अतः आर संक्रामक है। ठीक है, अतः आर संक्रामक है, अब यहां लिख सकते हैं, यहां आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, दिख रहा होगा पूरा पूरा क्लियर बुझा गया आपको, देखिए बैठे हैं तो आप काफी कलम
लेकर बैठो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लड़का सोच रहा होगा चलिए चलिए, और आप देखते जाइएगा और समझ जाने के बाद उसको खुद से बनाइएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो देखिएगा भूलिएगा तो ऐसे कब तक चलेगा, ठीक है। तो संक्रामक हो गया, अब उसी तरह आप ले लीजिएगा ए का वैल्यू लीजिए कितना 0, 1, 2, 3 इसी तरह 12 तक। इसमें कौन कौन सा वैल्यू संबंधित है तो एक वैल्यू है 1, 1, तो 1, 1 क्योंकि 1, 1 खुद के बराबर है ए, ए बराबर बी, क्या ए बराबर बी संभव है, संभव होगा क्योंकि यह ए का मान हुआ या बी का मान हुआ अलग अलग, तो यहाँ पर यही संभव है। इसके अलावा और कोई लीजिएगा तो संभव नहीं होगा, और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 2, 2 ले लेंगे तो भी हो जाएगा, पर ऐसा कोई बात नहीं है, 2, 2 आप नहीं ले पाइएगा क्योंकि एक से संबंधित वर्ण समुच्चयों में केवल एक ही अवयव एक होगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा एक से संबंधित अवयव, संबंधित अवयव एक से संबंधित, एक से संबंधित बने समुच्चय में एक से संबंधित अवयव 1, 1 भी आप लिख सकते हैं, केवल एक ही अवयव आएगा, ठीक है। अब आपकी भाषा जिस भाषा में लिखे, पर मैं भी थोड़ा सा भाषा चेंज करूंगा। एक से संबंधित, एक से संबंधित बना समुच्चय, बना समुच्चय में केवल एक ही, क्या एक ही अवयव एक आया है, एक ही अवयव एक आया है। अब वह कैसे आया है क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 में सिर्फ एक ही ना है, एक जो आया है तो उसी को आपको भाषा में लिखा है, ठीक, एक ही आया है, ठीक है। तो इसे भी आप लिख लीजिएगा, वो बनाने के बाद तुल्यता करने के बाद इसे भी लिख लीजिएगा। चलिए दो ही क्वेश्चन था 9 में, हाँ दो ही था। चलिए अब 10 काम शुरू करते हैं, 10 में 5, 6 शायद है, देखते हैं कितना है। तो इसे हम मिटा रहे हैं, चलिए 10 का 1। अब 10 का 1 जो है, पहले बोल कह रहा है एक ऐसे अवयव का उदाहरण दीजिए जो सममित है परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो, ठीक है। आपको उदाहरण देना है सिर्फ, अब जैसा भी उदाहरण आप दे चलेगा अपने अपने हिसाब से अपने। मान लीजिए मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ फिक्स नहीं है कि वही उदाहरण हमेशा दीजिएगा, अपने से भी उदाहरण सेट करते हैं, कर सकते हैं आप, लेकिन वह कैसा होना चाहिए, समित होना चाहिए परंतु न स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो एक का सर मैंने सोल्यूशन देखते हैं कि माना, यहां से मैं करता हूं कि यहां जाएगा, माना ए बराबर 5, 6, 7 हो, ठीक है। अब रिलेशन इस प्रकार का हो, इससे संबंधित जो आर है, आर किस तरह का हो, अपने से आप ले लीजिए 5, 6 और 6, 5 समित के लिए काफी है, आपके अनुसार उदाहरण बैठाना है आप बैठाइए, क्योंकि जो आर का वैल्यू दे दिया तो फिक्स हो गया, इसके अलावा और हो सकता है इसमें और वैल्यू रिलेशन, पर इसमें जो दिया है इसी में से देखना होता है रिलेशन, अगर नहीं दिया है तो खुद से बनाना पड़ता है या खुद या ये भी में रिलेशन दिया रहता है, ठीक है। तो आप सोचे करते रहिए,
पहले क्या स्वतुल्य कीजिए, देखिए पांच पांच संबंधित अनाभी है आर से, इसी तरह आप लिख सकते हैं छ छ संबंधित नहीं है आर से, लिख सकते हैं। तो आर क्या है स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं समित्व, समित्व में क्या पांच पांच संबंधित है आर से, छ छ पांच भी संबंधित है आर से, तो आर क्या है, हमें तो उदाहरण देना था, अपने से उदाहरण सेट करना था, इसीलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। अब चलिए संक्रामक, संक्रामक में तो बातें कुछ और है, लेकिन पांच छ संबंधित है आर से, लेकिन छ क्या डैश संबंधित नहीं है आर से, ठीक है। या इसमें आप एक बढ़ाइए लीजिए, छ सात कर लीजिए, ताकि यहाँ भी एक डाटा मिल जाए। यह संबंधित है आर से, लेकिन यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन पांच सात संबंधित नहीं है आर से, अतः आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। हो गया आपका उदाहरण, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इसलिए यहाँ आर ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है, केवल सममित है, यहाँ अपना लिख लीजिएगा, मैं विचार दे रहा हूँ। चलिए इसी से जितना उदाहरण आप दे सकते हैं दे सकते हैं, अब जिस तरह का क्वेश्चन हो उस तरह का उदाहरण आपको सेट करने हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही संक्रामक हो, संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और समित नहीं हो, यही ना कह रहा है। तो मान लीजिए माना एक संबंध जो वास्तविक संख्याओं के आर के लिए है, मान लीजिए माना एक समुच्चय, एक समुच्चय समुच्चय जो वास्तविक संख्या का हो, जो माना समुच्चय एक वास्तविक संख्या है, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं, ऊपर इतना लिख रहा हूँ बहुत है। चलिए एक वास्तविक संख्या है, अब इसमें संबंध क्या दे दिया है, संबंध मान दे दिया आपका ए बी वर्ड है, अब इसी दो के बीच में संबंध दिया होगा, तो दे दिया है कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से, अब आइए स्वतुल्य, क्या स्वतुल्य ए ए संबंधित नहीं है यार से, कैसे नहीं है, क्योंकि ए ए खुद से, कोई खुद से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए ए डायरेक्टली लिखे, क्योंकि ए ग्रेटर देन ए संभव नहीं है, डायरेक्टली लिख दीजिए संभव नहीं है, ठीक है। अतः आप स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। आइए सममित, मान लीजिए कि यहाँ लिख सकते हैं माना यह संबंधित है यहाँ से, मतलब ए ग्रेटर देन बी से, यह है लेकिन बी ग्रेटर देन ए
संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अब मान लीजिए कि हम बोल दिए कि एक दो से छोटा है, मतलब दो का है एक से बड़ा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कभी कभी भी नहीं हो पाएगा, मतलब बी ए संबंधित नहीं है आर से, अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, आइए संक्रामक देखते हैं। संक्रामक, संक्रामक में क्या होगा लिख, मान लीजिए माना ए बी संबंधित है आर से, मतलब ए ग्रेटर देन बी है, फिर से मैंने मान लिया कि बी सी संबंधित है आर से, मतलब बी ग्रेटर देन सी है, तो ए ग्रेटर देन सी भी होगा। अब कैसे होगा बता रहा हूँ, ए सी संबंधित है आर से, मतलब आर संक्रामक है। देखिए मैं बोल दिया कि ए बी सी मान लिया, ठीक है, इसको मान लिया कि दो है, ई तीन है, इसको मान लिया कि पांच है, हम बोल रहे हैं कि बी जोन है ना ए से बड़ा है, ठीक है, और फिर बोले कि सी जोन है बी से बड़ा है, तो क्या सी ए से बड़ा नहीं होगा? अवश्य होगा, आपको दिख भी रहा है, उसी को तो यहाँ पुट किए हैं, और इस तरह से बोल रहा है तो मतलब संक्रामक है। अब यहाँ से आपका दूसरा उदाहरण हो गया, चलिए अब तीसरा क्या कह रहा है, दूसरा में कुछ और भी बात कह रहा था, संक्रामक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप फाइनली लिख सकते हैं, यहाँ R का मान क्या, R का मान संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं है, लास्ट में लिख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं 10 का 3 देखेंगे, उसका भी एक उदाहरण दे देना है आपको, तो किस तरह से दीजिएगा, मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ जरूरी नहीं है कि मैं जो दे रहा हूँ उसके अलावा आप दूसरा हो ही नहीं सकता, होगा आप अपने से दे सकते हैं। चलिए बोल रहे हैं कि ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो, मतलब स्वतुल्य और सममित हो लेकिन संक्रामक ना हो। मान लीजिए कि ए दे दिया है, ए क्या क्या 4-8 इतना दे दिया है, रिलेशन भी दे दिया है, ठीक है, और अपने अनुसार चूज कर लीजिए, 4-4, 6-6, 8-8, इसके बाद बोल क्या रहा था स्वतुल्य और सममित हो, तो उसके लिए भी एक ले लीजिए, मान लीजिए कि 4-6 दे दिए, 6-9 दे दिए और 6-4 दे दिए, हम इतना आप दे दिए, यहाँ पर 4 लिख लीजिए, हम ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। एक और वैल्यू आप लिख सकते हैं 6-8 और फिर 4-8 तो इधर में नहीं है, ठीक है, अब झकाझक चेक कर लीजिए स्वतुल्य, चेक क्या करना है, हम तो उसी तरह का उदाहरण फिट किया है जिससे कि वो उदाहरण जो पूछ रहा है उस तरह का सेट कर ले। देखिए 4-4 संबंधित है यार से, इसी तरह 6-6 संबंधित है यार से, अब इतना एक एक लिख कर लिख बढ़ा दीजिएगा तो काम चल जाएगा, तो आर क्या है स्वतुल्य है, अब क्यों है, क्योंकि उसी तरह का तो हम उदाहरण सेट किए हैं, ए संबंधित होगा तो मतलब स्वतुल्य है। आइए अब सममित, सममित में क्या करेगा, देखिए 4-6 संबंधित है यार से, मतलब दिया भी है यार में, अब 6-4 भी
संबंधित है आर से। अतः आर क्या है? सममित है, ठीक है। आइए अब संक्रामक का देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए चार छ संबंधित है आर से, छ आठ भी संबंधित है आर से, लेकिन चार आठ संबंधित नहीं है आर से। चार आठ संबंधित इसमें दिख रहा है, नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। हमको उदाहरण देना है, हम उसी तरह का उदाहरण देंगे ना कि हमें दिक्कत ना, ठीक है ना। आप दूसरा भी उदाहरण सेट कर सकते हैं, पर वो कैसा होना चाहिए? वो स्वतुल्य समित होना चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप फिर से लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ आर का वैल्यू, आर का मान स्वतुल्य और समित है, लेकिन संक्रामक नहीं है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, हम चाहे तो इसी तरह का उदाहरण देकर पूरा सवाल को बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना कि स्टैंडर्ड नहीं उसका मिल पाएगा, ठीक है। तीन नंबर हो गया, अब हम चार नंबर देखते हैं। चार नंबर ऐसा संबंध का उठा दीजिए जो स्वतुल्य संक्रामक हो परंतु सममित न हो। अब सेट कर लीजिए, माना लिखिए या ना लिखिए, एक दो तीन चार, ठीक है। आर का वैल्यू ले लीजिए, एक एक दो दो तीन तीन, इसको हटा ही दे रहे हैं, ज्यादा हमको यूज ना पॉइंट पर। क्या कह रहे हैं? स्वतुल्य संक्रामक होने चाहिए। संक्रामक के लिए क्या लीजिएगा? दो तीन ले लिए हम, ठीक है। दो दो संबंधित है और दो तीन संबंधित है, तो और क्या क्या संबंधित होना चाहिए? तीन एक संबंधित है, तो दो एक भी संबंधित होना चाहिए, हो गया। अब चलिए स्वतुल्य के देखिए, एक एक संबंधित है यहाँ से, दो दो भी, या ई ना समझिए, या संबंधित का चिन्ह दिया है, इसका भाई मतलब हुआ थ्री थ्री संबंधित है आर से। इसका वैल्यू, इसको क्या बोलिएगा पूरा हिंदी में, एक एक आर से संबंधित रखता है इससे, मतलब क्या आर स्वतुल्य है, ठीक है ना। चलिए अब समित के देखते हैं। समित हमें उसमें नजरे नहीं है, तो हम लिख सकते हैं दो तीन संबंधित है आर से, लेकिन लेकिन तीन दो संबंधित नहीं है, अतः आर क्या है? सममित नहीं है, ठीक है। तो हो गया आपका। अब चलिए संक्रामक को देखते हैं। संक्रामक यहाँ करते हैं, संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या? देखिए दो तीन संबंधित है यार से, तीन एक भी संबंधित है यार से, और दो एक भी संबंधित होना चाहिए, है ऐसा, दो एक संबंधित है, अतः आर क्या है? संक्रामक है, ठीक है। उदाहरण हम उसी तरह का सेट किए हैं ताकि वो हो जाए, तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि और क्वेश्चन 10 में और है या नहीं। चलिए 10 का लास्ट, ठीक है, 10 का लास्ट मतलब 5। इसमें क्या कह रहा है? एक ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, ठीक है।
तो आप ले लीजिए, माना समुच्चय ए है कौन कौन सा, 5, 6, 7 ठीक है। आर का वैल्यू ले लीजिए 5, 6 संबंधित है, 6, 5 संबंधित है, और वैल्यू ले लीजिए आप 6, 7 है, तो इसको 5, 7 भी होना पड़ेगा तभी जाके होगा। चलिए स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या करिएगा, 6, 5 संबंधित नहीं है यार से, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आर स्वतुल्य नहीं है, इसको भी आप लिखे लीजिए, 3 ही गुना है, हालांकि एक में से कौन नहीं होगा तो स्वतुल्य नहीं होगा, एक को लिखकर काम चला सकते हैं। अब चलिए समित, समित पे देखिए 5, 6 संबंधित है, 6, 5 भी संबंधित है, अतः आर क्या है, आर समित है, ठीक है। संक्रामक देखते हैं, थोड़ा मार्कर का कम हो गया है पर कोई बात नहीं है, यह क्वेश्चन लास्ट है। देखिए अब हम शुरू करते हैं, 6, 7 संबंधित है यार से, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं 5, 6 संबंधित है यार से, तो 5, 7 भी संबंधित होना चाहिए, हाय भी, मतलब आर संक्रामक है। फाइनली आप लिख सकते हैं यहाँ आर का मान स्वतुल्य नहीं है लेकिन सममित और संक्रामक है, ठीक है। तो ये रहा उदाहरण, अपने से भी उदाहरण आप दे सकते हैं और दूसरे प्रकार का या इसे थोड़ा टॉप दे सकते हैं उदाहरण। तो आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए आप पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आई बटन में देख लीजिए, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं, देख सकते हैं सभी, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। लॉकडाउन में करिएगा क्या, कम से कम तैयारी तो आप कन्फर्म कीजिए, आपको ज्यादा वक्त मिल जा रहा है तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर यहीं जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।